नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी क्लासेज, बालाजी एजुकेशन ग्रुप मोला सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र कीचड़ आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और आज अपनी चौथी क्लास है। टॉपिक अपन लेके चल रहे थे संख्या पद्धति, उसमें सबसे पहले अपन ने संख्याओं के बारे में पढ़ा, फिर संख्याओं के योग के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने लिए भाजकता के नियम। भाजकता के नियम अपन ने दो का पढ़ा था, जो नॉर्मल होता है तीन का। तीन में क्या होता है, रिपीट कर देता हूँ, कोई भी संख्या जो दी हुई है आपको, ये संख्या तीन से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 784 संख्या तीन से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसमें क्या करना है, इसका योग करना है। योग कितना होगा, 19। 19 में तीन का भाग नहीं जाता है तो संख्या भी तीन से विभाजित नहीं होगी। मान लो यहाँ पे मैंने लिखी 6, 9 और 3, 6, 9, 3 और 5 ऐसे लिख दी, 6935। क्या ये संख्या तीन से विभाजित है, नहीं है, क्योंकि 6, 9, 15, 15, 3, 18, 18 और 5, 23 हो गया। 23 में तीन का भाग नहीं जाता है, 23 में तीन का भाग नहीं जाता है। जबकि एक संख्या ऐसी ली 8, 2, 2, क्या ये संख्या तीन से विभाजित है, 822, तो इसको जोड़ेंगे, योग कितना हो जाएगा, 12। 12 तीन से विभाजित है तो 822 भी तीन से विभाजित होगी। अब अपन आगे पढ़ रहे थे, इसके बाद पढ़ा था अपने चार से भाजकता का नियम। चार से भाजकता का नियम होता है जिन संख्याओं के इकाई और दहाई अंक में, जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है 6792, क्या ये संख्या चार से विभाजित है, तो इसका इकाई और दहाई का अंक देखना है। इकाई और दहाई का अंक क्या है, 9 और 2, 2 और 9, कह सकते हैं 92 है, तो 92 में चार का भाग जाता है तो संख्या भी चार से विभाजित होगी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पांच से भाजकता का नियम। तो नंबर चार पे हेडिंग लगाइए, पांच से भाजकता का नियम। पांच से भाजकता का नियम एकदम सरल है, किसी भी संख्या के इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक वो 0 या 5 होने पर, 0 या 5 होने पर, 0 या 5 होने पर संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से, और कोई पूछता भी नहीं है। फिर आता है 6 का, 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम क्या हो जाएगा, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। 5, 6, 2 इनका कोई नहीं पूछता है। फिर आता है 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम, 7 से भाजकता का नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या आपको दी हुई है, जैसे मान लो आपको ऐसे दी 572, ये एक संख्या है, ठीक है, 572 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसका पता लगाने के लिए सिंपल ट्रिक है, इकाई का अंक लेना है, इसको क्या करना है, इसको दुगुना कर देना है। तो 2 था, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 4, और बची हुई संख्या में से क्या कर देना है, घटा देना है।
तो 57 में से मैंने घटा दिया कितना, 4, तो कितना बचा, 53। अब इसको फिर दुगुना करना है, इसमें से घटाना है, ये तो दो अंकों की संख्या बन गई। यहीं पे पता चल जाएगा जब दो अंकों की संख्या बनेगी तो 7 से विभाजित है कि नहीं। क्या 53 7 से विभाजित है? नहीं, नहीं है। तो ये 572 भी 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा है। देखो और लेते हैं अपन उदाहरण। जैसे मान लो ये संख्या लिखी हुई है आपके पास, ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? इतनी बड़ी संख्या है, 9583, 9583, इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है। इसको दुगुना करो और 9858 में से घटा दो तो कितना बचेगा, 952। फिर इसमें इकाई का अंक क्या है, 2, जो प्राप्त हुआ ना उसमें इकाई का अंक क्या है, 2। तो 95 में से क्या घटा देंगे, 4, तो क्या आएगा, 91। और 91 7 से पूर्णतया विभाजित होगी, होगी ना। और भी कर सकते हो बोले, इकाई का अंक क्या है, 1, तो 9 में से घटा दो 2, 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 7, और 7 7 से विभाजित होता है। वापिस देखो, रिपीट करते हैं इसको, क्या करना है, 7 से भाजकता का नियम सिंपल है। संख्या ली अपन ने 95 83, ठीक है, ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है? तो एक प्रोसेस तो यह है कि आप क्या करो, 7 का भाग दो, है ना, पूरा भाग करना पड़ेगा तब होगी विभाजित। दूसरा क्या है, भाजकता का नियम इसका यह है कि इसका इकाई का अंक ले, 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों में इकाई का अंक क्या है इसमें, 3, 3 को कर दो दुगुना तो कितना हो गया, 6। और जो लास्ट में बची संख्या, 3 को तो ले लिया अपने, लास्ट में बची संख्या उसमें से वो दुगुना मान घटा दो, तो 958 में से क्या घटा दे, 6, तो कितना बच गया, 952 बच गया। अब एक संख्या बन गई अपने पास 952, 952 में इकाई का अंक क्या है, 2, 2 को फिर दुगुना करो, 4, तो 95 में से 4 घटा दो, बच गई संख्या यही, तो 4 घटा देंगे तो देखो लगभग तो आपको यहीं पे पता लग जाएगा जब दो अंकों की संख्या बन जाएगी, 91 7 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अगर मान लो इससे आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो, 1 है इकाई का अंक, दुगुना करो 2 हो जाएगा, 2 घटा दो 9 में से, कितना हो जाएगा, 7, ऐसे करना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसको प्रोसेसली, प्रोसेसली लिखते हैं इसको, तो किसी भी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक दो अंकों की
संख्या आ जाती है। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। समझ में आ जाएगा तो ये पूरी जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, लिख दो इसको। देखो एक संख्या है 53088 यानी 53088, ठीक है। ये 7 से विभाजित है कि नहीं है तो इसका क्या लेना, इकाई का अंक 8, इसको कर दो दुगुना तो 53088 में से घटा दो 16, इसको दुगुना करना है। अब इसमें से आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 5292, इतना ही बचेगा। अब इसमें इकाई का अंक क्या आया, 2, इसको दुगुना करो, दुगुना करेंगे तो बाकी की संख्या क्या बची, 529, 529 में से घटा दो 4 तो क्या बचेगी, 525, ठीक है, 525, ये 529 था यहाँ पर। अब 525 में देखो इकाई का अंक क्या है, 5, दुगुना करो तो देखो 52 और इसमें से क्या घटाएंगे, 10, तो कितना बच जाएगा, 42। अब 42 तो 7 से विभाजित है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हुआ इसका नियम। अब इसमें मान लो आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाए, है ना, एग्जाम में सवाल इसका आए तो कैसे आएगा, ऐसे देगा संख्या 923 स्टार, ठीक है, 7 से पूर्णतया, 7 से पूर्णतया विभाजित है, विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा, 7 से पूर्ण तया कोमा है यहां पर, अब देखो मैं ऑप्शन देता हूं यहां पर, स्टार का मान 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है
नो, बताओ क्या होगा? तो आप वहां पर भाजकता का नियम नहीं लगाओगे, आप भाग देखिए देखोगे, है ना? देखो मैं इसको 7 से विभाजित करता हूं, ये हो गया स्टार, इसमें 7 का भाग दिया भाई, स्टार तो नहीं है, इधर वाली संख्या तो है। चलो रखते हैं, देखो ऑप्शन गलत है क्या? है 5 आएगा, एक जगह 5 कर लो कहीं पे, चलो देखते हैं बाद में, है ना? ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा आपको। 7 का भाग देते हैं एक बार, कितना बच गया यहाँ पर? 2, 2 बच गया, इधर से उतारा 2, 22 हो गया, 7 21, एक बच गया 3, यहाँ से उतारा 13, 13 में कितनी बार जाएगा? एक बार, कितना बच गया? 6, कितना बच गया? 6, 6 बच गया, तो स्टार के स्थान पर इनमें से क्या रखूं? 6 बच गया, एक उतारा तो 61 में 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो ऑप्शन पहला गलत है। फिर ऑप्शन नंबर 2 लेंगे अपन, 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 रखते ही देखो 63 में 7 का भाग जाता है ना, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 3। ऐसे करना आप, सिंपल सा है। हाँ, उस हिसाब से करेंगे तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है अपना? स्टार है, तो स्टार को दुगुना करके फिर घटाएंगे क्या इसमें से? वो भाजकता का नियम तो दिखाने के लिए ही है, इसमें अप्लाई नहीं होगा। भाजकता का नियम आप 7 का, 13 का, 17 का और 19 का आपको आपको कहीं पे अप्लाई नहीं करना, 3 का, 9 का, 11 का, इनका अप्लाई करना, इसको तो बिल्कुल प्रोसेसली करना आप, वो तो दिखाने के लिए है भाई ऐसे हो जाता है, उतने में तो आप भाग दे के देख लोगे, दुगुना करके लिखोगे वहां, है ना? वो तो बनाया हुआ है भाई, भाई भाजकता का नियम यह है, आप ऐसे ही करोगे, तभी मैंने उदाहरण करके बताया ना आपको। अब मान लो एक उदाहरण और कर लेते हैं अपन, कंफ्यूजन आपका दूर होगा। एग्जाम्पल ऐसे लिखा, संख्या वन जीरो टू और स्टार 7 से पूर्णतया विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा? ऑप्शन दे, ऑप्शन देता हूं, देखो ऑप्शन में आपको दिया 6, बी ऑप्शन दिया 8, सी ऑप्शन दिया 9 और डी ऑप्शन आपको दिया 0। क्या होगा? सी, 9 होगा ना। अब देखो भाजकता का नियम तो लगा सकते हो आप, है ना, लेकिन लगाना कैसे है? अगर उसी हिसाब से करो जैसे भाजकता का नियम है, उसी हिसाब से करो ना, तब आप क्या करोगे? पहले स्टार के स्थान पर क्या लेके चलोगे? 6, तो अपनी संख्या क्या बनेगी? 1026, है ना? तो इसको क्या करोगे? दुगुना, दुगुना करोगे तो 102 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 90। फिर 0 को दुगुना करने पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा, तो 9 तो विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत है ना। फिर बी ऑप्शन लेके चलेंगे, यहाँ से 8 128 हो जाएगा, सॉरी 1028 हो जाएगा, 1028 में 8 को दुगुना करो 16, 16 घटा देंगे इसमें से तो 84 बचेगा, 84 बचा ना, सॉरी 86, गलत लिखा मैंने, 86
छियासी, छियासी बचेगा। अब छियासी में छः को दुगुना करोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, या छियासी को देखोगे तो छियासी विभाजित नहीं है। फिर आप नौ लेके करो तो यहाँ पे बन जाएगा 1029, दुगुना करेंगे 18, है ना, उधर से घटाएंगे 84 बचेगा। अब 84 तो विभाजित है ना, 84 विभाजित है, है ना। हाँ तो ऐसे कर सकते हो, भाजकता का नियम लगा के करो तो आपको चारों ऑप्शन लेके चलना पड़ेंगे, नहीं तो आप सीधा करो, इसमें टाइम कम लगेगा। 102 स्टार लिखा, इसमें आप क्या करोगे, 7 का भाग दो। अब 10 में आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार भाग चला गया, फिर 3 बच गया, 2 उतार दिया, 32 बन गया, 28 में जाता है 4 बार, अब कितने बच गए, 4। तो 4 के पास में 6 रखूंगा तो उत्तर आएगा नहीं आएगा, 8 रखूंगा तो आएगा क्या नहीं आएगा, 9 रखूंगा तो आ जाएगा ना, और 0 रखने पर भी नहीं आएगा, तो 9 आपका उत्तर हो गया। वैसे ऐसे करना, और 2 रखोगे तो भी आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे करना है। अब बात करते हैं अपन नंबर 6, 7 जो भी है, 7, 8 से भाजकता का नियम। आठ से भाजकता का नियम, देखो संख्या यहां पे मैंने लिखी 68,924, ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इन 3 अंकों को देखेंगे, अंतिम दो 3 अंक है, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, है ना, अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा को देखेंगे। अगर इसमें 8 का भाग जाता है तो संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। तो 924 में लेता हूं, 924 में 8 का भाग जाता है, एक बार जाएगा, 12 में फिर एक बार जाएगा, 44 में जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, ठीक है। अंतिम 3 अंक पूर्णतया विभाजित होने चाहिए, तो संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो इसमें ऐसे ही लिखना आपको, यदि किसी संख्या के इकाई, दाई और सैकड़ा और सैकड़ा में 8 का भाग जाता है, में 8 का भाग जाता है तो संख्या 8 से विभाजित होगी, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये संख्या है 209,288, 8 से विभाजित है क्या, है 288 को देखो, 288 में आप दोगे 8 का भाग, 24 में 3 बार गया, 4 बच गया, 48 में 6 बार गया, तो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, बस इतना सा करना। लिख दो इसको,
और एग्जाम में क्वेश्चन वही सात वाले की तरह आएगा, वैसे ही करना आपको, भाग दे के रखना मान। और लिख लो कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहां पे लिख दिया मैंने 3, 2, 9, 6 और 2, फिर हो जाएगा आपके यहां पे 1 और अंक और लिखे तो 0 लिख दें, 0 नहीं, चलो 4 लिख देते हैं, 4 लिख दें। अब विभाजित होगी क्या, 624 है, विभाजित होगी 624 में 8 का भाग दिया, 56 में 7 बार गया है ना, फिर 6 बच गया, 4 इधर से उतार दिया, 64 में कितनी बार गया, 8 बार, तो ये संख्या भी पूर्णतया विभाजित होगी, ऐसे ही करना। अब नंबर है 8 पे आता आपका 9 से भाजकता का नियम, आपको ज्यादातर एग्जाम में 3, 9 और 11 का ही पूछेगा, इनके अलावा नहीं पूछता है ना, तो 3 का 9 का सेम ही होता है, 3 और 9 को आप सेम कह सकते हो बोले, इसके संख्या के यदि किसी, ऐसे लिख लो, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, नौ का भाग जाता है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी, तो संख्या 9 से विभाजित होगी। संख्या आप कोई सी ले सकते हो, 7, 1, 9, 2, 2 और यहां पे ले लिया आपने 5, और ले लिया 3, ये संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है। अब ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो क्या करना है, 7 + 1 + 9 + 2 + 5 + क्या करना है, 3, तो योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, तो 27 9 से विभाजित है, तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी, बस इतना सा करना। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे आएगा संख्या, इसमें
तीन और नौ वाले में अधिकतम न्यूनतम ज्यादा पूछता, अधिकतम अंक बताइए न्यूनतम अंक बताइए, है ना। तो संख्या ऐसे दे दी आपको 8 2 *3 1, 9 से पूर्णतया विभाजित है, तो स्टार का अधिकतम मान बताइए। जीरो, एक, तीन और छह क्या होगा? भाई जोड़ना है इसको, 9 से विभाजित है, इसका मतलब अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, कह दिया ना इसने भाग विभाजित है, तो 8 + 2 = 10 और 3 = 13 और 1 = 14 हो गया। अच्छा हाँ, मैंने गलत लिखा यहाँ, सॉरी। चार आता ना यहाँ पर, चार कर लो एक जगह, तो 18 योग होना चाहिए। मतलब भाई अब 9 से विभाजित होने के लिए न्यूनतम क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 9 से विभाजित होगी। तो 14 + 4 क्या करेंगे? 18। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऐसे करना। और लिख लो एक इसका, संख्या 3 2 * 5 7 9 से पूर्णतया विभाजित है, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान क्या होगा? 0 1 C ऑप्शन लिख देते हैं, 9 8 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि आप करोगे 3 + 2 + 5 + 7, 12 और 5 हो गया आपका 17। अब योग 9 का 9 से भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1। तो 18 में 9 का भाग जाएगा, ऐसे सीधा करना। ठीक है, उसके बाद 10 का भाजकता का नियम कोई नहीं पूछता, और सीधा लिखोगे आप 11 से भाजकता का नियम। क्या है?
इसको आप लिखोगे किसी संख्या, किसी संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों, विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर शून्य अथवा 11 हो तो वह संख्या 11 से, वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। किसी संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर होगा है, कौन टूटे ऐसे आपको एक संख्या दी एग्जाम्पल के तौर पर 129668, ये संख्या है, ये 11 से विभाजित है कि नहीं है, इसमें समझेंगे अपन। सम स्थान कौन से हैं और विषम स्थान कौन से हैं, मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, 1, 2, 9, 6, 6 और 8। अब देखो नंबर देते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सम स्थान तो कौन से हो गए, ये वाले जो सम नंबर पे आ रहे हैं ना, और विषम स्थान हो गए ये वाले, इनका अलग अलग योग करना है। सम स्थान में क्या आ रहा है, 2, 2 और 6, 8 और 8, 16। 2 + 6 + 8 कितना हो गया, 16। फिर इसमें देखो 1 और 9, 10 और 6, 16। 1 + 9 + 6 ये भी कितना हो गया, 16। इनका जब अंतर करेंगे क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित है, 11 से। ठीक है, भाग देखे भी आप देख सकते हो, भाग देंगे जब अपन 129668 में तो 11 का भाग देंगे तो एक बार पूरा जाएगा, यहाँ पर एक बच जाएगा, 9 उतारेंगे 19 बन जाएगा, 19 में फिर एक बार जाएगा, कितना बच गया, 8, 6 उतारा 86 बन गया, तो 77 में जाएगा ना 7 बार, फिर 9 बच गया, 6 उतारा 96 बन गया 8 बार 88 में, है ना, फिर 8 बच गया और 8 इधर से उतारा तो फिर 8 बार चला, ऐसे जाएगा, ऐसे आपको करना। और ले लेते हैं इसके एग्जांपल, लिख लो इसको साथ साथ में, लिख लिया एग्जाम्पल, और करते हैं देखो, ऐसे एक संख्या लिखी हुई है 19457, फिर है 493, इतनी बड़ी संख्या है, ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसमें सम स्थान लो 9, 5, ठीक है, 4 और 3, 9, 5, 4 और 3 इसका योग करेंगे, 14 और 7 हो गया 21 हो गया। फिर अपन विषम स्थान लेंगे, विषम स्थान में देखो ये वाले आएंगे,
तो एक प्लस चार प्लस सात प्लस नौ कितना हो जाएगा, इसका योग भी 21 हो रहा है, तो इनका अंतर जब करेंगे अपन तो हो जाएगा जीरो। कहीं पे योग अंतर 11 भी होगा, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो भाजकता के नियम में तो आपको इतना ही पूछेगा। अब 13 से भाजकता का नियम, 12 का तो कोई मैटर नहीं रखता है ना, 3 और इसका एग्जाम्पल करवा दे। हाँ, एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे आएगा, तो इसके लिए आप छोटा सा उदाहरण लिख लो एक। एग्जाम में ऐसे आएगा, संख्या छः स्टार गुणसठ 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक लिखा, दो लिखा, फिर तीन लिखा, फिर छह लिखा, क्या हो जाएगा, दो। सिंपल सा है, कैसे करना है देखो, पहले आपको सम स्थान लेने, सम स्थान ये है, ठीक है, सम स्थान हो जाएंगे आपके ये वाले सम स्थान। तो स्टार और नौ को जोड़ा मैंने, तो ये तो नौ स्टार हो गया, नौ प्लस स्टार हो गया है ना, फिर इसको और इसको जोड़ा, कि सॉरी छः और पाँच को, यहाँ पे नौ था, छः और पाँच को जोड़ेंगे, छः और पाँच को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 11। अब भाई इनका या तो अंतर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, जीरो। अब बताओ 11 जब अंतर करेंगे तो यहाँ बहुत सारा जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो वो तो दो अंकों की संख्या आएगी, तो दो अंकों की संख्या तो यहाँ पे रख नहीं सकते, एक अंक की रखनी पड़ेगी, एक अंक की में क्या रख सकते हैं कि भाई इसका अंतर जीरो हो जाए, तो इसको 11 बनाना है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, दो, दो रखते ही योग हो जाएगा 11 और अंतर क्या आ जाएगा, जीरो, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, दो, ऐसे आएगा एग्जाम, कर लोगे, सिंपल है, कोई इसमें खास बात नहीं। अब भाजकता के नियम अपन ने पढ़ लिए, तो भाग भी देना सीखते हैं। देखो कैसे एग्जाम में भाग से रिलेटेड सवाल आएगा, तो एक परफॉर्मा मैं आपको बनवा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई संख्या है, यहाँ पे मैंने लिखा 529 और इसमें मैं 8 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है, 8 का भाग दे रहा हूँ, तो एक संख्या में जाएगा नहीं, दो संख्याएं साथ में लेनी पड़ेगी, 52 48 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर यहाँ से क्या उतारा, 4 से बच गया, इधर से क्या उतारा, 9, ठीक है, यहाँ पे फिर 6 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, एक बचेगा, है ना, एक शेषफल बचेगा। अब मेरे को वापिस 529 बनानी है, और मेरे को दे दिया 8 भी दे दिया, 6 भी दे दिया और 1 भी दे दिया, तो क्या करेंगे, 8 गुणा 6 और इसको क्या करेंगे, प्लस, यही तो करते हैं, तो इनका नाम क्या क्या है, इसको बोलते हैं अपन भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, ये क्या होता है, ये होता है भाजक, और ये क्या होता है, भागफल, ठीक है, 66 जो आया, सॉरी 66 है यहाँ पे, 66 जो आया वो क्या है, भागफल,
और ये क्या है? शेष फल। अब ये आप एक परफॉर्मा बना दो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा? परफॉर्मा बनाएंगे और इसका सूत्र लिखेंगे, कौन सा मान लाना है? 529 ये लाना है, तो क्या लिखेंगे? भाज्य, भाज्य बराबर में भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होगा? शेष फल। इसमें से आपको सरल से सरल सवाल भी पूछ सकता है और हार्ड से हार्ड भी आ जाएगा इसमें से। अब पहले अपन सरल करेंगे फिर करेंगे हार्ड, कैसे पूछेगा? फुल कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आपको। लिख लिया? अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा, किसी संख्या में 15 का भाग देने पर, 15 का भाग देने पर भागफल शेष फल का दुगुना प्राप्त होता है। यदि यदि शेषफल सात है, शेषफल सात है तो संख्या क्या होगी? ये तो सिंपल पूछेगा आपको ऐसे। दो सौ सत्रह कुछ तो देगा ना आपको। दो तीन चीज है, कोई भी चीज अपन ज्ञात करते हैं तो उसमें तीन चीज रहती है, तीन में से आपको दो मिलेगी है ना, और एक आपको ज्ञात करनी होती है। अब इसने देखो हिंट दिया कि भाई किसी भी संख्या में किसका भाग दिया जाता है? 15 का, यानी भाजक क्या है? 15। भागफल शेष फल का कितना प्राप्त होता है? दुगुना, और शेष फल कितना है? 7। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ शेष फल लिखा है, शेष लिखा है 7, तो भागफल इसका दुगुना होगा, भागफल इसका दुगुना होगा, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। अब अपना जो सूत्र है उसमें मान रख दो। हाँ, तो भाज्य यानी संख्या कहो या भाज्य कहो बात एक ही है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, तो 14 गुणा क्या करेंगे? 15 गुणा 14 करेंगे, प्लस क्या करेंगे? 7। तो 14 गुणा 15 करोगे, 15 × 60 ठीक है, 15 × 6 कितना हो गया? 21, प्लस क्या करेंगे? 7, तो आ जाएगा 217। 217 वो संख्या है। आई समझ में बात? ऐसे करना है। अब इसका पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, बस चेंज कैसे होता रहेगा देखो।
एग्जाम्पल लिख लो, किसी संख्या में पैंतीस का भाग देने पर, पैंतीस का भाग देने पर भागफल शेषफल का दो तिहाई, दो बटा तीन भी लिख सकता है और लिख के भी दे सकता है, दो तिहाई है ना, दो तिहाई बचता है तो संख्या में चौदह का भाग देने पर, चौदह का भाग देने पर भागफल क्या होगा, डबल पूछ लिया ना सवाल, लेकिन इसमें एक संख्या देनी भी तो पड़ेगी ना, वो कहां पे दी? देखो, किसी संख्या में 35 का भाग देने पर भागफल शेषफल का क्या है, दो तिहाई बचता है, तो संख्या में 14 का भाग देने पर भागफल क्या होगा यदि, यदि शेषफल 6 है यदि शेषफल क्या है 6 अब देखो पहले आप उसको करोगे पहले सवाल को, है ना, और ये जो लाइन आ रही है किसके लिए आ रही है, पहले सवाल के लिए ही है, कोमा लगा के यदि लिखे तो वो पहले के लिए आती है ना, पहले आप लिखोगे यहां पे शेषफल और भागफल, शेषफल क्या है 6, इसने कहा भागफल शेषफल का कितना है 2/3, भागफल जो है वो शेषफल का 2/3 है, तो भाई भागफल को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना, 2/3 इंटू क्या कर सकते हैं 6, 2/3 है ना इसका शेषफल का, तो शेषफल 6 है, इसको 2/3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 4 आएगा, भागफल आ गया 4। अब संख्या बना सकते हो, संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगा आपका 35 इंटू 4 और प्लस क्या हो जाएगा 6, तो 35 इंटू 4 146, अब 146 में किसका भाग देना वापिस 14 का, हाँ तो 146 में आप भाग दोगे 14 का, तो भागफल आपका जो आएगा, शेषफल तो 6 ही रहेगा लेकिन भागफल क्या आएगा, सॉरी 10, भागफल क्या आएगा 10, ये आपका उत्तर ऐसे पूछेगा। हो गया, अगला देखो, भाग के एक प्रश्न में
भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का तीन गुना है तथा भाजक भागफल का तीन गुना है तथा शेषफल का एक बटा पांच है। यदि यदि भाजक यदि भाजक 20 है तो भाज्य क्या होगा। तीन नाम आपके पास है, एक है भाजक, एक है भागफल, एक है शेषफल। देखो भाजक कितना दिया आपको 20, भागफल का कितना गुणा है 3 गुण। अच्छा इसमें वो हो गया ना, नहीं 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 गलत हो गया, ये संख्या तो आपको सही देगा तभी होगा। एक मिनट इसको हटा लो, यहाँ पे 1/3 कर लो आप और यहाँ पे कर लो 21। अब करो, हाँ संख्या सही देगा आपको, है ना, संख्या एकदम नाप तोल के देगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। भाजक आपके पास कितना हो गया 21, 1/3 कर दिया ना यहां पर। अब देखो भागफल क्या हो जाएगा, भागफल 3 गुना, भाजक है वो भागफल का 3 गुना है, तो यहाँ पे भागफल कितना हो जाएगा 7, इसको 3 से गुणा करने पर ये प्राप्त होगा ना। और शेषफल का कितना गुना है 1/3, शेषफल का 1/3 गुना है। शेष, अच्छा उल्टा लिख दिया इसमें, तथा शेष फल का एक, ऐसे थोड़ी होता कि भाई किसी संख्या में जितनी संख्या है उससे तो कम ही शेष बचेगा ना। अगर मैं यहां पर मान लो ऐसे बनाऊं, चार बटा तीन गुणा अब तो बन जाएगा क्या 21 × 4/3, गलत हो गया सवाल ही पूरा। ना ना इसको देखो पूरा डिलीट करते हैं एक बार। भाजक भागफल का 3 गुना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा, तथा शेषफल का 4/3
शेष पल का 4/3 गुणा, नहीं गलत आई है, भाजक अपने पास आ गया 21 ले लिया मैंने यहाँ पर, अगर मैं 21 भी नहीं ले हूँ यहाँ पर 20 ही लेके चलें, तीन गुणा, रुको रुको एक बार, यहाँ पे अगर मैं 24 कर देता हूँ तो ये तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपके 3 × 8 हो जाएगा, तथा शेष फल का 2 गुना है, ऐसे तो लिख सकते हैं, बिल्कुल शेष फल का 2 गुना है, ऐसे लिख लो यहां पे शेष फल का 2 गुना है, तब होगा ये, क्योंकि शेष फल बड़ा नहीं हो सकता, और वहां पे 24 कर लो, चेंज करो पूरा ही सवाल, आप भाजक भागफल का तो हो जाएगा 3 गुना, 24 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 1/3 कर देंगे इसको, फिर यहाँ पे 2 गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर आपका हो जाएगा 24 × 8 + 12, 204। इसमें मतलब वो क्वेश्चन आपको करेक्ट करके देगा, है ना, ये तो मैंने ऐसे ही लिखवा दिया आपको। दूसरी बात देखो, इसमें ऐसे पूछा जाता है, एक आपके पास क्वेश्चन आएगा कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, लिखना मत ये, किसी संख्या को मान लो 56 से भाग दिया जाए, 56 से भाग दिया जाए तो 15 शेष बचता है, ठीक है, किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचता है 15, ठीक है, तो उस संख्या को आप 7 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, उस संख्या को आप 7 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, भागफल भागफल कुछ नहीं देगा, वो सीधा दे दिया, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने, कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा आप, ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं अपने, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर पंद्रह शेष बचता है, बच सकता है ना, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर 7 से 7 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 = 56 =
जाता होगा, दो बार जाता होगा, तीन बार जाता होगा, है ना, या 15 बार 20 बार कती बार जा सके ना भाग। तो मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि उस संख्या में एक बार भाग जाता है, 56 का एक बार भाग जाता है तो भागफल क्या होगा, एक। 56 को किससे गुणा करेंगे, एक से, और क्या जोड़ देंगे इसमें, 15।
छप्पन और 15 कितना हो गया? इकहत्तर। इकहत्तर हो गया, यानी संख्या क्या बन गई? इकहत्तर। अब उस संख्या में किसका भाग देना है? सात का। तो सात का भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा? एक। अब मान लो आप तो कहो कि भाई एक नहीं लेना अपने को, तो दो लेना है यहाँ पे भागफल, या 20 लेना है, हैं? तो 20 लेके भी कर सकते हो। बोले ये मान चेंज होगा, ये तो सेम ही है। अब इसमें मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया? कितना हो गया? और प्लस क्या करेंगे? 15। तो आपका ये बन जाएगा 1135। 1135 में फिर सात का भाग दो, वही एक शेष बचने वाला है, बचेगा ना। कितना ही भागफल चाहिए आप, कितना ही ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, है ना। मैटर क्या रखता है कि यहाँ पे दी गई संख्या में इसका भाग जाना चाहिए, जाता है ना, जाता है। और क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, भाग नहीं जाने वाला नहीं बनेगा, भाग जाने वाला ही क्वेश्चन बनेगा। तो आप सीधा क्या करो, इसका भाग दे दो 15 में, शेषफल में भाग दे दो, जो शेषफल बचेगा वही आपका उत्तर होगा। तो 15 में आप 7 का भाग दे दो, शेषफल क्या बच रहा है? तो वही आपका उत्तर होगा। सीधा करना है बस, ये तो केवल समझाने के लिए था कि भाई ऐसे कर सकते हैं, 2, 4, 5 जो भी है वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी बात करेंगे कल। ओ प्रोफेसर।